हेलो क्लास, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड आई एम सोनिया। ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का थर्ड लेक्चर है। तो हम पहले देखेंगे कि हमने लास्ट दो लेक्चर में क्या पढ़ा था। हम थोड़ा सा उसको समराइज करेंगे। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हम दो सेट का निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था? दो सेट क्या लिए थे हमने? ए लिया था, वन टू थ्री जिसके एलिमेंट है, एंड बी सेट जिसके एलिमेंट है फोर फाइव एंड सिक्स। ये दो सेट हमने लिया था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं? हम ए क्रॉस बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इन दोनों के सेट, दोनों सेट के हर एलिमेंट के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशन है, मतलब जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हम सबसे पहले वन लेंगे एंड फिर हम उनको बी के सारे एलिमेंट के साथ उनका पेयर करेंगे। तो वन के साथ हमारा फोर हो गया, देन वन फाइव हो गया, वन सिक्स, राइट। देन हम टू लेंगे एंड टू को भी सारे एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे, टू फोर टू फाइव टू सिक्स, एंड देन हमारा तीनों के साथ पेयर हो गया। एंड अब हम थ्री को भी सिमिलरली सबके साथ पेयर कर लेंगे, थ्री फाइव एंड थ्री सिक्स। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। देन हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन बेसिकली क्या होता है? रिलेशन क्या होता है हमारा? जो दो सेट के बीच हम रिलेशन लेते हैं, रिलेशन के लिए ऑब्वियसली हमें दो ऑब्जेक्ट या फिर दो नंबर्स चाहिए ही चाहिए। कर तो रिलेशन में हम दो सेट लेते हैं, यहाँ पे जैसे ए एंड बी है, तो इन दोनों सेट के बीच में हम रिलेशन कैसे करते हैं ये देखा था हमने लास्ट क्लास में। तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है? रिलेशन आर अगर हम ले लें कोई भी, तो हम बोलेंगे कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज क्या होता है? वो जो भी हमारा रिलेशन आता है उन दोनों सेट के बीच में, वो सेट जो आता है वो हमेशा ही इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है, राइट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। बट अब एक चीज तो ये हो गई कि इसका सबसेट होगा, मतलब इसके कुछ जो पेयर्स हैं वो उस रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे, राइट। बट कौन से पेयर उसके एलिमेंट होंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक उसको एक डेफिनेशन या एक स्टेटमेंट देते हैं, उसमें डिस्क्राइब करते हैं हम डेफिनेशन रिलेशनशिप इन दोनों पेयर्स के बीच में, पेयर्स की हर दोनों एलिमेंट्स के बीच में हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं जिससे हम इनके कुछ पेयर निकाल सके, राइट। तो वो हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमने कुछ इन्हीं सेट के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए थे लास्ट क्लास में, हम फिर से वही एग्जांपल यहाँ पे रिपीट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था? आर वन जो था हमारा, आर वन जो कि सेट ए टू सेट बी है, वो क्या था हमारा? आर वन सबसे पहले था हमारा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, सच दैट हमने क्या बोला था कि एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, करेक्ट। ये पहला हमने आर वन लिया था, एंड इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे थे हमारे? एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स एक्स में हमारे वन टू थ्री है, तो हमने जब वन लिया तो हमें मिला फोर, एंड देन हमने टू लिया तो हमें मिला फाइव, एंड देन हमें थ्री मिला तो हमें मिला लिया हमने तो हमें मिला सिक्स, राइट। तो इस तरह से ये तीन एलिमेंट, तीन ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के एलिमेंट होंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सेट आया है रिलेशन का, वो इसका सबसेट है, करेक्ट। उसके बाद हमने लिया था आर टू। आर टू क्या था हमारा? ऑल्सो हम यहाँ लिख लेते हैं, R2 also from set A to set B, and then R3 also from set A to set B. Right, हमने तीन रिलेशन लिए थे लास्ट क्लास में। तो R2
R2 क्या था हमारा? Set of all ordered pair x and y such that x is less than y. Correct. Where x belongs to A and y belongs to B. Correct. ये लिया था हमने. अब इसमें क्या सिचुएशन थी कि जो y है वो x से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए. तो हम इसमें से वो एलिमेंट्स निकालेंगे, वो पेयर्स निकालेंगे जिसमें y x से बड़ा होगा. जब हम देखेंगे तो इसके सारे एलिमेंट ऐसे हैं, सारे पेयर्स ऐसे हैं जिसमें y हमेशा x से बड़ा है. मतलब हमें हम इसका सेट हमें क्या मिल जाएगा, 1, 5, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, then 3, 4, 3, 5, and 3, 6. तो मतलब हम देख सकते हैं कि ये पूरा हमें क्या मिला, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा का पूरा हमें मिल गया. नहीं तो ये खुद से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है एंड ये आर टू है, तो आर टू इसका सबसेट ही होगा एक तरह से, राइट. तो उसके बाद हमने जो थर्ड लिया था R3 क्या था हमारा, xy such that हमने बोला था कि x is greater than y और all x belongs to A and all y belongs to B, राइट. ये हमारा लास्ट, हमने बोला था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए. तो जब हम इस सेट में देखेंगे तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिसमें x हमारा मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो, तो इसलिए ये सेट क्या है हमारा, एम्प्टी सेट. करेक्ट. तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. अब हम इसी से ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इन्हीं एग्जांपल्स को लेके, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा उसको दोबारा से लिख लिया अभी, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट किस किस तरीके से किया जाता है, ठीक है. जैसे कि हमने सेट देख लिया था कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको यूनिवर्सल सेट के अंदर, राइट. अब हम देखेंगे कि रिलेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो तीन तरीके होते हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के. सबसे पहला सेट बिल्डर मेथड होता है जो हमारा, राइट, सेट बिल्डर मेथड हो गया एक हमारा, एंड देन होता है हमारा रोस्टर मेथड, एंड लास्ट हमारा होता है हम एरो डायग्राम के थ्रू जो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया था एरो डायग्राम, हम उसी के थ्रू ही रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं. Now let's हम क्या करें, इन तीनों मेथड के थ्रू इन तीनों रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट बिल्डर मेथड. तो R1 में ये जो हमें दिया हुआ है, ये जो डेफिनेशन दी हुई है, ये क्या है, ये ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में है. सिमिलरली R2 का ये वाला फॉर्म भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, एंड R3 का ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है. तो सेट बिल्डर फॉर्म तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं. सिमिलरली ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में है R1, ये हमारा R2 का रोस्टर फॉर्म हो गया, एंड एम्प्टी सेट का जो ये फाई है ये हमारा R3 का रोस्टर फॉर्म हो गया. तो बचा क्या, हमारा एरो डायग्राम जो हमारा थर्ड मेथड है इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का. तो हम क्या करेंगे, अब एरो डायग्राम के थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम सबसे पहले R1 को करते हैं. क्या करते हैं, हम दो सेट ले लेते हैं AB. A में क्या है 1, 2, 3, B में क्या है 4, 5 and 6. तो अब हमारा R1 क्या है, R1 में देखो, R1 में 1 किसके साथ पेयर हो रहा है, 4 के साथ, ये हो गया 1, 4 के साथ, एंड 2 हमारा 5 के साथ हो रहा है, 3 हमारा 6 के साथ हो रहा है. तो ये हमारा R1 रिप्रेजेंट होगा. इस तरह से रिलेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम R2 के लिए लेते हैं. R2 के लिए जब लेंगे हम, ये R2 के लिए हमारा A एंड B,
1, 2 and 3, 4, 5 and 6. ओके, तो R2 में क्या है हमारा? R2 में जब हम देखेंगे तो 1 जो है 1, 4 के साथ भी है, 5 के साथ भी है एंड 6 के साथ भी है. तो जिस तरह से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए रिप्रेजेंट किया था उसी तरह से ये भी R2 का भी डायग्राम वैसा ही होगा सिमिलरली, क्योंकि R2 जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही आ रहा है हमारा. ये हमारा 4 के साथ या 5 के साथ एंड ऑल्सो 6 के साथ भी पेयर हो जाएगा, तो ये हमारा R2 हो जाएगा. देन लास्ट हमारा रिलेशन जो बचा है जो हमारा एम्प्टी सेट है. तो जब हम ये ड्रॉ करेंगे ए एंड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा R3 के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि यार हमारा ऑलरेडी एक एम्प्टी सेट है. एम्प्टी सेट है मतलब इसमें कोई भी पेयर नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट ए का कोई भी एलिमेंट बी के साथ पेयर अप नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हम एरो डायग्राम के थ्रू रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन. तो हमने देख लिया कि हम रिलेशन को कौन कौन मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. अब हम इनसे रिलेशन से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा इमेज होता है एंड क्या होता है प्री इमेज. तो ये क्या होता है, तो इमेज एंड प्री इमेज बेसिकली जब हम ऑर्डर पेयर्स जो देते हैं हमारे जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं इसमें हमारे 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4 ये सारे जो ऑर्डर पेयर हैं, तो सपोज हमारा कोई ए बी ऑर्डर पेयर है. ओके, तो इस ए बी ऑर्डर पेयर में हम क्या बोलेंगे कि जो बी है जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, इमेज होगा. हम क्या बोलेंगे, बी क्या है, इमेज ऑफ ए. सिमिलरली उसी तरह ही हम ये बोलेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट का क्या होगा, प्री इमेज. बोलेंगे इसको प्री इमेज ऑफ बी, राइट. मतलब यहाँ पे जितने भी सारे ऑर्डर पेयर हमने निकाले हैं इस हर ऑर्डर पेयर में हम ये बोलेंगे कि जो इस पेयर का सेकेंड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का इमेज होगा एंड जो पहला एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट का प्री इमेज होगा. वो क्या होगा, इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर सेकेंड एलिमेंट इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट is pre-image of second element. Correct. Okay, तो ये हमारा A है, यहाँ पे B का pre-image है and B जो है वो A का image है. तो ये दो चीजें होती हैं, image and pre-image. Then इसके बाद हम देखेंगे कि domain क्या होता है. Okay, domain क्या होता है, तो जब हम किसी भी रिलेशन में जब देखते हैं, रिलेशन में हमारे पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं इन एनी रिलेशन, ठीक है, इन एनी रिलेशन, जैसे इस रिलेशन में हम देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम R1 का डोमेन देखेंगे पहले क्या होता है कि डोमेन R1 का क्या होगा. तो डोमेन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर के जब हम फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनाते हैं सारे ऑर्डर पेयर के सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का, तो वो क्या होता है, वो डोमेन होता है, राइट. मतलब डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स in relation R is domain of R. Okay, मतलब हम जिस भी रिलेशन में लेंगे उसमें जितने ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम
मिला के सेट बनाएंगे तो वो क्या होता है हमारा उस रिलेशन का डोमेन कहलाता है। जैसे हम आर वन मिलेंगे तो आर वन का डोमेन क्या होगा हमारा, डोमेन ऑफ आर वन, डोमेन ऑफ आर वन। आर वन में जब हम देखेंगे तो कितने पेयर है हमारे पास, थ्री पेयर है एंड तीनों पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या क्या है, वन टू एंड थ्री। तो मतलब हमारा आर वन का डोमेन क्या होगा, वन टू एंड थ्री का जो सेट बनेगा वो हमारा आर वन का डोमेन होगा, करेक्ट। तो ये हमारा आर वन का डोमेन हो गया। सिमिलरली जब हम आर टू के लिए देखेंगे तो आर टू में क्या है, इसमें वन 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 मतलब वन एक ही बार आ गया हमारा, देन टू देन थ्री, तो वन टू थ्री यही हमारा क्या होगा, ये आर वन आर टू का भी डोमेन यही हो जाएगा। उसके बाद जब हम आर थ्री में देखेंगे तो आर थ्री हमारा क्या है, आर थ्री तो एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का डोमेन भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट ही होगा। तो ये हो गया हमारा जब हमने फर्स्ट एलिमेंट लिए। ना जब हम हर ऑर्डर ट्रेयर के सेकंड एलिमेंट को मिला के सेट बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलता है रेंज। ओके, तब हमें मिलता है रेंज। यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर pairs in relation R is क्या होगा हमारा, रेंज ऑफ R। ओके, तो जब हमें फर्स्ट एलिमेंट निकाला, सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाया तो हमें डोमेन मिला, एंड जब हमने सारे सेकेंड एलिमेंट का सेट बनाया तो हमें रेंज मिला। ओके, तो ये तो हो गया हमारा डोमेन एंड रेंज। एक और चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, बेसिकली कोडोमेन में जब हम कोई भी रिलेशन लेते हैं, जो कि सपोज हमने लिया रिलेशन R फ्रॉम A टू B, ओके, हमने लिया रिलेशन R फ्रॉम A सेट टू B सेट, ओके। तो जब हमने ये रिलेशन लिया तो हम जब बोलेंगे कि इस R का कोडोमेन क्या होगा, तो इस R का कोडोमेन होगा सेट B। हमेशा हमेशा हमें रिलेशन का रोस्टर फॉर्म भी देखने की जरूरत नहीं है। जब हमें बोल दिया गया है कि जो हमारा रिलेशन है वो फ्रॉम सेट A टू सेट B है, मतलब जिस सेट से स्टार्ट होके वो जिस सेट में पेयर अप कर रहा है, तो ये जो पेयर अप वाला सेट है जिसमें वो जा रहा है, मतलब ए से हमने ए से पेयर किया बी में, तो जो बी वाला सेट है, बी वाला सेट जो है वो हमेशा इस रिलेशन का क्या होगा, कोडोमेन। तो अगर हम लेंगे कि आर वन हमारा ए से बी है, आर टू हमारा ए से बी है, आर थ्री हमारा ए से बी है, तो इन तीनों की रिलेशन का कोडोमेन क्या होगा, सेट, इन तीनों का कोडोमेन सेट बी होगा। अगर हम कोई आर फोर लेंगे जो कि सेट बी से सेट ए में जाएगा, ठीक है, अगर आर फोर जब हम ले रहे हैं, अगर वो बी से ए सेट में जा रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये सेट जो है वो कोडोमेन है इसका, मतलब इस सिचुएशन में ए सेट हमारा कोडोमेन होगा। ओके, तो क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया, रेंज हो गया एंड कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन मतलब हम क्या बोलेंगे, इन तीनों में हमें डोमेन पता है, इन तीनों रिलेशन में, राइट, इन तीनों रिलेशन में डोमेन हमारा क्या होगा, आर वन और आर टू का, आर टू का डोमेन ये होगा एंड आर थ्री का डोमेन क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा, राइट। एंड इसका रेंज अगर हम देखेंगे तो 4, 5, 6 आएगा, एंड इसका भी रेंज निकालेंगे तो हमारा 4, 5, 6 आएगा, ठीक है। एंड एक चीज और की जो ये रेंज होती है, रेंज सी, जब हम रिलेशन बनाते हैं, जब हमने ए बी, ए से बी का रिलेशन बनाया, तो हम क्या देखेंगे कि जो रेंज आएगा
वो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनसे वो पेयर अप हो रहा है, राइट। ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, जिन बी के एलिमेंट से पेयर अप हो रहे हैं वही वही सेट रेंज बना रहे हैं, राइट। मतलब रेंज के सारे एलिमेंट, रेंज में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो इस सेट बी में आएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेंज हमेशा इस बी सेट का सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। मतलब कि ऐसा भी पॉसिबल है कि इसके सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ पेयर कर रहे हैं, मतलब सारे एलिमेंट इस रेंज में आ जाएंगे, राइट, रेंज ऑफ आर में आ जाएंगे। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि रेंज या तो इस बी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, या बी सेट के इक्वल होगा। तो बी सेट क्या है हमारा, बी सेट तो हमारा कोडोमेन है। हम क्या इसको और क्या बोल सकते हैं कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा। ओके, तो ये हो गई हमारी, क्या क्या हो गया हमारा, इमेज हो गया, प्री इमेज एंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ओके, तो ये इसके मेन जो हमारे मेन टर्म्स थे जो हमारे रिलेशन में यूज होते हैं वो हमने सारे देख लिए। अब हम थोड़ा सा रिलेशन के बारे में और पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी कि अगर हमें दो सेट दिए हुए हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उनके बीच कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने अभी लिया था दो सेट, जो लिया था हमने ए 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 एंड 6, राइट। तो ये दो सेट, तो अभी तक हमने कितने सेट, कितने रिलेशन निकाले हैं, उनके बीच 3 रिलेशन हमने निकाल लिए, राइट। और कितने पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन जो कि इन दोनों सेट के बीच में पॉसिबल है। तो हमें एक चीज तो पता है कि वो कितने भी रिलेशन हो, R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन, राइट, चाहे वो कितने भी रिलेशन हो, हमें नहीं पता भी नंबर, हमें वही निकालना है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई n number of relations n के बीच, just हमने assume कर लिया कि Rn तक ये इतने possible relations हैं इनके बीच। तो हमें एक चीज तो ये पता ही है कि जो relation होता है कोई भी दोनों set के बीच में, वो relation उस दोनों set के cartesian product का क्या होता है, subset होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि R1 a cross b का subset है, R2 भी a cross b का subset है, R3 भी a cross b का सबसेट है, राइट। सिमिलरली Rn भी हमारा a cross b का सबसेट है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे n को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो a cross b हमारा सेट है, a cross b हमारा सेट है, उसका हम पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं, राइट। ये अगर हम बोलें कि A क्रॉस B में हमारे पास सपोज A क्रॉस B में सपोज हमारे पास कितने, लेट्स सपोज कि X ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। हमने बोला कि A क्रॉस B में हमारे X ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, पॉसिबल सबसेट नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास एक्स ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे इसके, 2 3 पावर x, राइट। मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, हम उस A क्रॉस B से इतने पॉसिबल सबसेट निकाल सकते हैं, मतलब इतने पॉसिबल सबसेट हैं, मतलब उतने ही पॉसिबल रिलेशन होंगे, राइट, उतने ही पॉसिबल रिलेशन होंगे, मतलब जितने पॉसिबल सबसेट हैं उतने ही पॉसिबल रिलेशन होंगे,
तो यही क्या होगा हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। करेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमें यहां पर पता है कि ए क्या है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं एंड बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बट अभी हम बस सिंपली हम लेंगे कि सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज एम। ओके, हमने ले लिया कि ए सेट में एम एलिमेंट्स हैं एंड बी सेट में एन एन एलिमेंट्स हैं। ओके, हमने मान लिया कि हमारा ए सेट जो है उसमें एम एलिमेंट्स हैं एंड बी सेट में एन एलिमेंट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, हमने ये देखा था, राइट, हमने ये पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जो दोनों के एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम ये दो सेट लेते हैं ए एंड बी, इसमें अगर हमारे पास वन से लेके सपोज एम एलिमेंट्स है, इसमें वन से लेके एन एलिमेंट्स है, तो क्या होता है हमारा वन हर हर एलिमेंट के साथ पेयर अप होता है, मतलब कितने पेयर बन गए यहाँ पे, एन बन गए। सिमिलरली टू हमारा पेयर होगा, टू भी एन टाइम्स पेयर होगा। सिमिलरली सारे नंबर सारे एलिमेंट के साथ पेयर होंगे, तो हर एलिमेंट के साथ जब पेयर होगा तो एन पेयर्स बनाएगा, क्योंकि इधर एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली एम भी हमारा जब सारे एलिमेंट के साथ पेयर होगा तो भी ये एन ही आएगा। अब हमें देखना है कि ये कितने टाइम्स हैं, ये पहले एलिमेंट के लिए हो गया, दूसरे एलिमेंट के लिए, एम एलिमेंट के, मतलब ये टोटल कितने बार है, ये एम टाइम्स है, मतलब ये क्या हो जाएगा एम, एन को हम एम टाइम्स प्लस कर रहे हैं, तो मतलब एम इंटू एन हो जाएगा। करेक्ट। इस तरह से हमने नंबर ऑफ क्या निकाला है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आ गया, एम इंटू एन। तो इतने ऑर्डर पेयर है हमारे पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, टू द पावर एम एन। एंड यही जितने ही पॉसिबल सबसेट होंगे उतने ही पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विल बी टू द पावर एम एन, जहां पे एम क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इतने पॉसिबल रिलेशन हम बना सकते हैं सेट ए से सेट बी में। तो जब हम ये वाला एग्जांपल लेंगे तो इसमें एम कितना है, एम थ्री हो गया एंड बी थ्री हो गया, तो इसमें कितने पॉसिबल रिलेशन आएंगे हमारे, टू टू द पावर थ्री इंटू थ्री, मतलब टू द पावर नाइन, टू द पावर नाइन रिलेशंस हम बना सकते हैं, इसमें डिफाइन हो सकते हैं या फिर उनके बीच हम रिलेशनशिप बना सकते हैं ऐसा, कि हमें इतने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन इन दोनों सेट के बीच में मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रिलेशन की बात हमने कर ली पूरा, उसका डेफिनेशन भी हमने थ्योरेटिकल भी देख लिया, प्रैक्टिकली भी देख लिया एंड रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया हमने उनका, एंड उनसे जो रिलेटेड टर्म्स थे इमेज प्री इमेज डोमेन रेंज कोडोमेन सब अच्छी तरह से समझ लिया हमने, राइट, करेक्ट। एंड ऑल्सो हमने ये भी देख लिया कि हमें नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन की पूरी टॉपिक एक तरह से कवर कर ली, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन पे फोकस करेंगे। फंक्शन बेसिकली मैं बस एक इंट्रो दूंगी कि फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है, राइट। जिस तरह से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले पढ़ा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ सबसेट लिए हमने, सबसेट जो उसके लिए हमने कुछ डिफाइंड रिलेशनशिप डिफाइन करके जिस तरह से हमने उनके कुछ
एलिमेंट्स लिए थे एंड उनसे जो सेट बनाया हमने उनको रिलेशन बताया, राइट? ये रिलेशन क्या होता है? एंड अब हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है, बट उसमें उसमें कुछ और भी कंडीशंस होती हैं। जैसे कि हमने पहले सबसे पहले देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने उसमें कुछ एडिशन करके कुछ कंडीशन लगा के हमने वहां से रिलेशन निकाला। अब हम उसमें और कुछ कंडीशन ऐड करेंगे, फिर वो हमारा क्या हो जाएगा? वो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ओके, तो हम ये अभी ये पे खत्म करते हैं एंड होमवर्क वगैरह सीरियसली करते रहना, क्योंकि हम बेसिकली पूरा एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अगर कोई भी एग्जाम्पल या फिर कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, ताकि मैं ट्राई करूं कि वो सॉल्व कर सकूं एंड तुम्हें कोई डाउट ना रहे। फिर हम ये खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।